इसी प्रकार अब हम दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि यू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि वी और दर्पण की फोकस दूरी के बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे और इस u, v और f के बीच में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम कहते हैं दर्पण सूत्र और यह दर्पण सूत्र होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी प्लस इज इक्वल टू वन अपॉन एफ यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के व्यूत्क्रम का योग बराबर होता है दर्पण की फोकस दूरी के व्युतक्रम के इसको अब हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए ज्ञात करेंगे फिर उत्तल दर्पण के लिए ज्ञात करेंगे आ, दोनों ही स्थिति में जब हम याद करेंगे तो कुछ चीज कुछ चीज़ों को हम आ, सरल करने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप याद करते जाते हैं हम आगे बढ़ते समय देखते हैं हमने किन किन चीज़ों को समीकरण एक लिया है दो लिया है किस प्रकार हम दोनों समीकरण को एक करते जाएंगे तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए चित्र बना लेते हैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण हमने लिया है और वस्तु ए भी इस अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है अब इस वस्तु से निकलने वाली किरण ए से लेकर इस दर्पण के ध्रुव पर स्ट्राइक कर रही है जैसे यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी वैसे ही परावर्तन के नियम का पालन करते हुए रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी तो यह आपतित किरण ए पी परावर्तन के पश्चात पीओ मार्ग से आगे की ओर बढ़ जाती है इस स्थिति में हम देखें तो जो P से लेकर B तक की दूरी है या फिर P से लेकर जो केंद्र तक की दूरी है वो अभिलम्ब का कार्य करेगी तो एंगल I बराबर हो जाएगा एंगल R अब प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हम जानते हैं कि दो किरणों का मिलना आवश्यक होता है तो हम दूसरी किरण ऐसी लेंगे जो कि केंद्र से गुजर रही हो और केंद्र से गुजरने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद भी वापस उसी दिशा पर लौट जाती है यानी उसी केंद्र से ही लौट जाती है तो हमने दूसरी किरण ली है ए जो कि केंद्र से गुजरती हुई आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा पर चले जाएगी तो दो परावर्तित किरणें यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण भी वही होगा ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमने लिया है ए डैश बी डैश अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए संबंध ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर दो बार त्रिभुजों को समरूप करेंगे पहले तो एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जो कि केंद्र का वस्तु के साथ बन रहा हो और केंद्र का प्रतिबिंब के साथ इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप साबित करेंगे फिर उसके बाद हम दो और त्रिभुज लेंगे जो कि वस्तु का ध्रुव के साथ बनेगा और प्रतिबिंब का ध्रुव के साथ बनेगा और इन दोनों ही त्रिभुजों को हम समरूप साबित करेंगे और इससे ही हम आगे डेरिवेशन में बढ़ेंगे सबसे पहले दो त्रिभुज देखेंगे जो कि केंद्र का वस्तु के साथ हो और केंद्र का प्रतिबिंब के साथ यानी कि त्रिभुज ए बी और सी और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश और सी इन दोनों त्रिभुजों को हम देखें तो यहाँ पर ये वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही मुख्य अक्ष के लम्बवत हैं यानी कि यहाँ पर वस्तु का और प्रतिबिंब का जो कोण मुख्य अक्ष के साथ बन रहा है वो 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण 90 डिग्री हुए मतलब दो कोण बराबर हो गए यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखें जो केंद्र का कोण आ, बन रहा है बी सी ए और कोण बी डैश सी और ये ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है अब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हुए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दोनों ही समरूप हुए और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है लंब का लंब से अनुपात लेंगे आधार का आधार से अनुपात लेंगे और कर्ण का कर्ण से अनुपात लेंगे यहाँ पर लंब ए बी अपॉन लंब ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा आधार सी बी अपॉन आधार सी बी डैश इसको हम समीकरण एक दे देते हैं उसके बाद दूसरे दो त्रिभुज हमको लेने हैं वो कौन से होंगे जो ध्रुव का वस्तु के साथ बनेगा और जो ध्रुव का प्रतिबिंब के साथ बनेगा यानी कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी इन दोनों त्रिभुजों को हम देखें तो यहां पर फिर वो दो कोण जो कि वस्तु और प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के साथ बन रहे दोनों 90 है, तो दोनों बराबर हुए। साथ ही पर हम देखें कोण कोण और ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि आई बराबर होता है आर के नियम के अनुसार तो यहां भी दो कोण बराबर हुए तीसरा कोण भी बराबर होगा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हुए तो यहां पर भी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा पी बी अपॉन पी बी डैश इसको हम दे देते हैं समीकरण दो अब समीकरण एक को दो से कंपेयर करने पर हमको पता चलता है सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर पी बी अपॉन पी बी डैश अब जैसा कि मैंने चिन्ह परिपाटी में पहले बताया था सारी दूरियां ध्रुव से नापी जानी चाहिए इसलिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं सारी दूरियों को ध्रुव के सापेक्ष बनाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं सी बी को हम लिख सकते हैं सी बी क्या है ये केंद्र के साथ वस्तु की दूरी है अगर इसको हम इस अक्ष में देखें तो पी बी में यदि मैं पी सी माइनस करूं तो बचा हुआ पोर्शन बी सी ही होता है तो इस सी बी मैं लिख दूंगी पी बी माइनस पी सी वैसे ही सी बी डैश की जगह हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश ये बराबर हो जाएगा पी बी अपॉन पी बी डैश अब यहां पर सारी दूरियां पी से नापी जा रही है यानी कि ध्रुव से नापी जा रही है अब यहाँ पर कैलकुलेशन को आगे करते हैं और यहां पर हम सारी दूरियों को चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी पी से लेकर बी तक की दूरी ये दर्शाई जाती है यू से यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो हम किरणों के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो पी बी बराबर हो जाएगा माइनस यू वैसे ही पी बी देखें ये प्रतिबिंब की दूरी है इसे हम दर्शाते हैं वी से चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी हो जाएगा माइनस बी क्योंकि यह विपरीत डायरेक्शन में है P से लेकर C तक की दूरी यानी कि केंद्र की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या इसको हम दर्शाते हैं R से यह भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखा जाएगा माइनस आर हम जानते हैं R बराबर होता है टू एफ तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस आर बराबर माइनस टू एफ अब इन सारे वैल्यूज को हम इस समीकरण में रखते हैं समीकरण में रखने पर हमको मिलता है माइनस यू माइनस माइनस टू एफ अपॉन माइनस टू एफ माइनस माइनस वी बराबर माइनस यू अपॉन माइनस वी हमने सिर्फ मान उठाकर उस समीकरण में रख दिया अब इसमें पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन माइनस टू एफ प्लस वी इक्वल टू यू अपॉन वी अब यहाँ पे त्रिय गुणन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हमको मिलेगा वी इंटू माइनस यू प्लस टू एफ इक्वल टू यू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस टू एफ प्लस वी नेक्स्ट स्टेप में वी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस यू वी प्लस टू वी एफ इक्वल टू माइनस टू यू एफ प्लस यू वी इसी प्रकार अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं यू वी वाला एक साथ रखते हैं एफ वाला सारा एक साथ रखते हैं तो हमको मिलेगा टू वी एफ प्लस टू यू एफ इक्वल टू यू वी प्लस यू वी यू वी प्लस यू वी हो जाएगा टू यू वी यहाँ पर दोनों पक्षों में टू कैंसिल करने पर हमको मिलेगा वी एफ प्लस यू एफ इक्वल टू यू वी अब दोनों पक्षों में यू वी एफ भाग देने पर हमको प्राप्त होगा वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ अब जो जो कैंसल हो रहा है सभी कैंसल कर देते हैं हम लोग या फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाले टर्म में vf vf से कैंसिल हो जाएगा बचेगा ओनली u one upon u सेकेंड वाले टर्म में uf और uf कैंसिल हो जाएगा और बचेगा one upon v और इधर बचेगा uv uv कैंसिल होने पर one upon f इस प्रकार दर्पण का सूत्र प्राप्त होगा one upon u plus one upon v बराबर one upon f अब यही सूत्र हम उत्तल दर्पण के लिए भी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं यहाँ पर एक उत्तल दर्पण रखा है एक्स वाई जिसका ध्रुव है पी इसके सामने स्थित है ऑब्जेक्ट ए बी अब ए बी से निकलने वाली किरण जो ध्रुव पे स्ट्राइक करेगी वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएगी तो जो किरण ए से लेकर रही है वो पी से लेकर ओ की ओर आगे कमन करेगी। या हम देखें, तो एंगल बी हो जाएगा एंगल आर अब इस उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरणें चाहिए होंगी परावर्तन के पश्चात तो हम दूसरी किरण ऐसी लेंगे जो कि सेंटर से गुजरती हुई प्रतीत होगी यहाँ पर ये दूसरी किरण ली है जो कि सेंटर से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है ये परावर्तन के पश्चात पर वापस उसी मार्ग पर विपरीत दिशा पे चले जाएगी अब इस बिंदु पर जहाँ पर ये दोनों परावर्तित किरण आती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा जो कि दर्पण के पीछे बनेगा इसको हम ए डैश बी डैश से दर्शाते हैं अब सूत्र को आगे ज्ञात करने के लिए फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे यहां पे दो त्रिभुजों को समरूप बनाना है पहला तो वो त्रिभुज जो केंद्र का वस्तु के साथ बन रहा है और केंद्र का प्रतिबिंब के साथ फिर दूसरा त्रिभुज तो ध्रुव का वस्तु के साथ बन रहा है और ध्रुव का प्रतिबिंब के साथ तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये दोनों ही केंद्र के साथ वस्तु और प्रतिबिंब के बनाए हुए त्रिभुज हैं अब यहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों ही लंबवत हैं तो ये दो कोण तो बराबर हुए 90 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल सी है ये दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है यानी कि दो कोण इस त्रिभुज के बराबर हुए तो तीसरा कोण तो बराबर होगा हो ही होगा अगर दो कोण ती, तीनों कोण बराबर हुए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए समरूप होने पर इनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा लंब का अनुपात लंब से लेते हैं और आधार का आधार से लेते हैं तो हमको प्राप्त होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश इसे हम दर्शाते समीकरण एक से अब दूसरे दो त्रिभुज लेंगे जो कि ध्रुव के साथ बनेंगे वस्तु का और प्रतिबिंब के साथ यानी कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों तो लंबवत है मुख्य अक्ष पर तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं अब यहाँ हम देखें तो एंगल ए पी बी बराबर एंगल बी पी ओ क्योंकि आई बराबर आर था अब दूसरा देखिए हम एंगल एंगल बी पी ओ बराबर होगा एंगल ए डैश पी बी डैश क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसी कारण यहाँ पर हम देखें तो एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा ए डैश पी और बी के बराबर ये दोनों एंगल बराबर हुए तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गई होगा और ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी बी अपॉन पी बी डैश इसको हम दे देते हैं समीकरण दो समीकरण एक और दो को कंपेयर करने पर सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर होगा बी पी अपॉन बीपी डैश अब जैसे कि सारी दूरियां ध्रुवों से नापी जाती है इसको हम ध्रुव के टर्म्स में चेंज करते हैं सी बी को हम लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी उसी प्रकार सी बी डैश को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश तो ये समीकरण बन जाएगा Pb प्लस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश चिन्ह परिपाटियों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी कि पी बी बराबर होगा यू और ये दर्पण के सामने स्थित है आपतित किरण के विपरीत दिशा में लिया जा रहा है इसलिए ये होगा माइनस यू पर प्रतिबिंब को हम देखें पी बी जिसे हम वी से दर्शाते हैं तो ये आपतित किरण की दिशा में ही मौजूद है क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है इसलिए हम इसे लिखेंगे v। वैसे ही हम देखें pc यानी कि वक्रता त्रिज्या इसे हम दर्शाएंगे r से जो कि धनात्मक होगा और हम जानते हैं r बराबर होता है 2f। तो इस प्रकार हम हमारे पास सारे मान मौजूद हैं जिसको हम समीकरण में डाल देते हैं समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन टू एफ माइनस वी इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा v ब्रैकेट के अंदर माइनस यू प्लस टू एफ इक्वल टू माइनस यू ब्रैकेट के अंदर होगा टू एफ माइनस वी ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस यू वी प्लस टू वी एफ इक्वल टू माइनस टू यू एफ प्लस यू वी अब हम एफ एफ वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं और यू वी वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होगा टू वी एफ प्लस टू यू एफ इक्वल टू यू वी प्लस यू वी यू वी प्लस यू वी हो जाएगा टू यू वी और हमको मिलेगा टू वी एफ प्लस टू यू एफ इक्वल टू टू यू वी दोनों पक्षों से टू कैंसल करने पर हमें मिलेगा वी एफ प्लस यू एफ इक्वल टू यू वी अब दोनों पक्षों में यू वी एफ डिवाइड करने पर हमें मिलेगा वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ यहाँ पर जो कैंसल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ बचेगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ तो यहाँ पर भी हमको वही समीकरण प्राप्त हो रहा है जो अवतल दर्पण के लिए प्राप्त हुआ इसका मतलब दर्पण सूत्र वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन एफ ये दोनों ही दर्पण के लिए सत्य है चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो